सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलवास दुबिया भिवानी द मोस्ट प्रीमियर सीबीएसई स्कूल इन भिवानी एजुकेशन पार्टनर भिवानी पब्लिक स्कूल लेइंग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड सक्सेस आईसीएस कोचिंग सेंटर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार विश्वास 30 वर्षों का वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर कपिल जी आप भी मंच पर आएं बहुत स्वागत आपका और डॉक्टर मयंक चुक जी हमारे साथ जुड़ेंगे फिजिशियन है डॉक्टर मयंक चुक जी आप भी मंच पर आएं तालियां बजा दें आप लोग सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करें और रंजना ओवर टू यू शुक्रिया आयुष आप सभी से दरख्वास्त है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी मेहमानों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें और एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सत्र के खास मेहमानों के लिए क्योंकि न सिर्फ ये अपने अपने संस्थानों के मुख्य हैं बल्कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर भी कोरोना की न सिर्फ पहली व दूसरी लहर में भी इन्होंने दिन रात काम किया है और यही वजह है कि आज हम खुली सांस में यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं आप बहुत बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं आप तीनों मैं चाहूंगी कि आप अपना अपना माइक ले लें मैं शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर करण पुनिया जी आपसे जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर को हमने देखा और उस दौरान भिवानी की जो परिस्थितियां थी वो भी किसी से छिपी नहीं फिर आई कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में तबाही मचा के गई और शायद वो मंजर हम कभी दोबारा याद भी नहीं करना चाहेंगे उसके बाद हमने सोचा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है जो चीजें ऑफ ट्रैक चली गई है वो ट्रैक पर आ रही है लेकिन अब ओमिक्रॉन की दस्तक से अब देश एक बार फिर से दहल रहा है भिवानी की फिलहाल क्या परिस्थिति है मैडम रंजना मैडम है आपका नाम मैं इसकी शुरुआत करूं से पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी आपका यूनिट हेड है यहां का वो आए और मेरे से एक बुके और एक सर्टिफिकेट ले बहुत अच्छी पहल है संभावनाएं बढ़ेंगी और सब कुछ आगे बढ़ेगा मैं चाहूंगा या तो आप ले लीजिए या किसी को बुला लीजिए कोई एनीवन ऑफ यू प्लीज इस सत्र के बाद सर नहीं मैं पहले करूंगा उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा काइंडली कम ओवर हियर मनी मुझे यही बता रहा था सर को मंच पर बुला चाहिए हमारे भाई जो मनिया है रवि जांगला जी को मंच पर लक्ष्मी और बनपुरी और चावाई को बैठा रहे हैं राजनीति हो रही है जो मैं दे सकता था मैंने दिया है शुक्रिया बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ कि हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं हाँ अब कोरोना के बारे में हम बात करते हैं जी कोरोना में हमारे पूरे राज्य से 27 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई और उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया उस फंड के तहत हम लोगों ने हर परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए जो जरूरतमंद थे कल ही हम लोग हिसार में मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से 5-5 लाख रुपए की राशि एक एएनएम को और दो डॉक्टर्स को एक साबाद मारकंडा से थे एक हिसार से डॉक्टर नवल थे एक डॉक्टर बंसल थे उनको दे के आए हैं ये हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ नहीं है क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान गवाई और उन लोगों के लिए जान गवाई जो आप और हम बैठे हैं हमारी रक्षा करते करते उन्होंने जान गवाई पब्लिक की जान गवाई लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर लूट रहे हैं फलाना कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं हम अपना काम करते रहेंगे करते आए हैं आगे भी अपनी जान गंवाते रहेंगे ये हमारा फर्ज है हमने एक प्रतिज्ञा ले रखी है हम काम करेंगे जरूर करेंगे बिल्कुल उम्मीद यही है कि किसी को यहाँ से जान न गंवानी पड़े ना ही आम जनता को ना ही आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को डॉक्टर विनोद अंचल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी डायरेक्टर हैं आप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझना कि एक क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो क्योंकि दूर दराज तक जब तक व्यक्ति जाएगा उसकी जान ही चली जाएगी ऐसे में 49 सालों में भिवानी ने क्षेत्र में कितना बदलाव देखा और ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का पर्सनल वो कैसा रहा बिल्कुल मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र के अंदर आके मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी चाही और उसको आगे बढ़ाने में भी यह प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बात करें हम
वो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी एक इस क्षेत्र में ऐसा होता था कि किसी को हार्ट अटैक आता था तो उसको एंजियोग्राफी के लिए हमें रोहतक गुड़गावा एनसीआर क्षेत्र तक जाना पड़ता था। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने से हमें एंजियोग्राफी के लिए उधर ही हम भिवानी के अंदर इस पेशेंट को टैकल कर सकते हैं। एक ट्रॉमा सेंटर हम अच्छा यहाँ भिवानी के अंदर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भिवानी के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जहाँ एक छत के नीचे सभी विशेषज्ञ समय पर तुरंत मरीज को मिल जाए जिससे उनकी जान बच सकती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्पेसिफिक जो बीमारियां होती हैं उनसे जुड़ी जो समस्याएं होती है और उनका निजात भी उसी स्थान पर मिल जाए तो मरीज की शायद जान आसानी से बचाई भी जा सकती है। समय की बहुत उस समय आवश्यकता होती है कि उसी समय अगर विशेषज्ञ मिल जाता है तो मरीज की जान बहुत ज्यादा बच सकती है। बिल्कुल, उसी पर बार बार हम भी जोर देते रहते हैं। डॉक्टर कपिल, डेंटल क्लिनिक आपका है, इसी क्वेश्चन को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अस्पताल होना भी एक बहुत ही दुर्लभ सी बात होती थी कि मामूली सा बुखार है, खांसी जुकाम है, उसके लिए भी आपको सही वक्त पर विशेषज्ञ या डॉक्टर नहीं मिल पाते थे। अब स्पेसिफिक बीमारियां, फिर चाहे वो आई क्लिनिक हो, डेंटल क्लिनिक हो या फिर कोई और क्लिनिक हो, इन सब का एस्टैब्लिश होना कितना महत्वपूर्ण सबसे पहले तो आप समझते हैं, और दूसरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी ज्यादा परेशानियां रही जब आप स्पेसिफिक एक क्लिनिक यहां पर चलाना चाह रहे थे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मैम और फिर आपके क्वेश्चन का जवाब जी, कि जो एक सिंगल स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक या आई क्लिनिक कोई भी चलाना वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक चलाना होता है, और रादर मैं कहूंगा उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि सिंगल स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक या कोई भी क्लिनिक है उनके अपने चैलेंजेस होते हैं जिसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल रहता है। दूसरी बात कि क्या क्या चैलेंजेस हमने ड्यूरिंग कोविड देखे या पिछले 15-16 सालों से हम डेंटल क्लिनिक को रन कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे अवेयरनेस की ओरल हेल्थ को लेके, ओरल हाइजीन को लेके अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स लगाया, अवेयरनेस सेमिनार किए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे मैं समझता हूँ कि जिसके इफेक्ट्स 15 से 20 साल के बाद नजर आते हैं, जो इंस्टेंट नहीं होता अवेयरनेस कभी, इट्स ए साइकिल, हम चलेंगे अवेयरनेस आएगी धीरे धीरे, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जो आज स्कूल गोअर्स हैं वो जब कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद जब वो अपनी फैमिली लाइफ में जाते हैं तो उनको अवेयरनेस का इम्पैक्ट नज़र आने लगता है। तो अवेयरनेस के लिए हमने काम किया। अब हम जब कोविड की बात करते हैं कि जो चैलेंजेस थे, क्योंकि कोविड हम सबको पता है कि ओरल कैविटी का से ही स्प्रेड हो रहा था, ओरल कैविटी का बहुत अहम योगदान था, ओरल कैविटी में से सब लोग डर रहे थे, डेंटल क्लिनिक पे जाने से डर रहे थे। हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया कि भाई आप आइए, अगर आपको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तो आप अपना डेंटल चेकअप करा सकते हैं। फिर लोगों को ऑल ऑफ सडन ब्लैक फंगस आ गया। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि हमने ब्लैक फंगस का केस 8th October 2020 को फर्स्ट डायग्नोज किया था, और उसके बाद हमने काफ़ी ब्लैक फंगस के केसेस देखे। हम काफ़ी टाइम आपके साथ जुड़े भी रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे टॉक पे ब्लैक फंगस को लेके, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, तो वो भी एक कीड़ा था जिसने लोगों को काफ़ी भयभीत किया कि अगर हम ओरल कैविटी की केयर नहीं करते हैं तो ब्लैक फंगस जैसे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं, जो किन कंडीशंस में आएंगे, जिनकी इम्यूनिटी या तो लो है, डायबिटिक है, कीमोथेरेपी चल रही है या कोई और उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनको ब्लैक फंगस बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की वजह से स्प्रेड कर रहा था। तो अवेयरनेस आई धीरे धीरे, ब्लैक फंगस भी आया, ब्लैक फंगस के केसेस भी अब खत्म हो गए। तो ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस बढ़ती रहनी चाहिए। इंडिया न्यूज हरियाणा ने काफी कार्यक्रम चलाया, शाम को 6:30 बजे जो आपका प्रोग्राम है। डॉक्टर कपिल, मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, जब मरीज आपके पास पहुंचते थे, अब पहुंचते हैं, कितना मुश्किल होता है एक डॉक्टर होने के नाते, आपको पहले तो इलाज तो करना ही है, दूसरा जो जागरूकता जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते नहीं, खासतौर पर ऐसी नई नई बीमारियां जो आजकल प्रचलन में है, डबल टास्क आप लोगों के लिए हो जाता होगा, काउंसलिंग भी करनी है? मैम डबल नहीं है, ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमें उसको अवेयर करना है, एक हमें ट्रीटमेंट देना है जी, एक हमें उसे साइकोलॉजिकल और मोरल सपोर्ट देना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड रहता है, क्योंकि लोगों को डर ट्रीटमेंट से कभी भी नहीं लगता, उसको उसके उनको डर लगता है कि इस बीमारी से उसको पता नहीं और क्या क्या चीजें होंगी, उनको सोशली क्या फेस करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियली क्या फेस करना पड़ेगा, उनको मोरली क्या फेस करना पड़ेगा, कैसे वो उनका फ्यूचर में लाइफ रहने वाली है, कैसे उनकी फैमिली पे उसका असर आएगा। जैसे ब्लैक फंगस में हमने देखा बहुत सारे लोगों की जाने चली गई, तो वो पूरी एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो
तो उनको पहले मोरली सपोर्ट करना, उनको साइकोलॉजिकली काउंसिल करना, काउंसिल करने के बाद उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हुए ट्रीटमेंट के पार्ट पे लेके जाना एंड फिर पोस्ट ट्रीटमेंट उसका रिहैब करना। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं जिसको ओवरकम करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट था। हमें एक एक पेशेंट पे दो दो तीन तीन घंटे लग जाते थे उसको ब्लैक फंगस के केसेस, और इसमें ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस के केसेस सिर्फ उन लोगों को हुए जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से निकल कर आते थे। यहाँ पे जो अच्छी एजुकेटेड फैमिली थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, कुछ मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ, कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए लोग थे जिनको ब्लैक फंगस हुआ, तो काफ़ी सारे लोग थे। ये क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, किसी को पूछ के नहीं आता, जैसे कोरोना किसी को पूछ के नहीं आया कि इसको होगा और दूसरे को नहीं होगा, तो ये एक चीजें रहती हैं। तो काउंसिल तो सबको करना ही पड़ता है। वो एक वाकई बधाई के पात्र हैं आप सभी, क्योंकि न सिर्फ आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया बल्कि एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जो नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो पढ़ाई लिखाई हमने की है, जो बीमारियों की जानकारी हमें है वो हम आगे तक लोगों को पहुंचा, और वाकई में सराहना के पात्र आप सभी हैं। डॉक्टर करण, जिस तरीके से पहली लहर के बाद कहा गया हम पूरी तरीके से तैयार हैं, फिर आई दूसरी लहर जिसने ऐसी तबाही मचाई कि उस मंजर को शायद हम कभी जहन में दोबारा से याद भी नहीं करना चाहेंगे, उसके बाद भी कहा गया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन अब ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है और हरियाणा में भी कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है, लूप होल कहां देख रहे हैं आप? ये अभी यदि आप कैमरा घुमाएंगे तो देखिए कितने लोगों ने यहाँ मास्क लगा रखा है। ये जागरूकता की बात है, हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस बीमारी को आगे फैलाने के लिए, ये हमें अपने स्वयं के अंदर झांकना होगा। हम लोगों के अंदर ये अज्ञानता या इस तरह की गलतफहमी है कि कुछ नहीं, कोरोना एक वायरस है, जैसे यूआरआई का वायरस होता है वैसे ये वायरस है, ये आगे चला जाएगा, और ये लापरवाही हम लोगों को जानलेवा साबित हो रही है। आगे से आगे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब हर स्टेट्स के अंदर ओमिक्रॉन के जो वायरसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं और एक खतरनाक स्टेज पर एक से एक, दूसरे दूसरे तीसरा ऐसे फैलता जा रहा है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा और कम से कम मास्क का तो यूज़ करना पड़ेगा। मैं बड़ा तकलीफ होती है जब लोग मास्क का यूज़ नहीं करते हैं और जो सोशल गैदरिंग होती है उसके अंदर नहाते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं और मुंह में मुंह डाल के बातें करते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बड़ी घातक हैं, और हम इस बात को जितना जल्दी समझ जाएँ उतना बढ़िया है। कोरोना के साथ में हम लोगों को जीना सीखना होगा और उसके सीखने के लिए हमें ये भी सीखना होगा कि मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक है और जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो भी बहुत आवश्यक है। वही कोरोना है, ये अपना अपना रूप बदल के आ रहा है लेकिन हम अपने रूप को भी नहीं बदल रहे हैं, हमारा वही का वही रूप है, वही हम लोगों का लहजा है, हम लोग खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि SMS हम लोगों को उस चीज़ का पालन करना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अपने रूप को भी बदलना होगा, अपनी आदतों को भी बदलना होगा, जो पुरानी आदतें हुआ करती थी उनमें बदलाव लाना होगा और थोड़ी सी सतर्कता और हमें बरतनी होगी। डॉक्टर विनोद, आपसे मैं समझना चाहूंगी, WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, ये बोलने के बावजूद लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए कि आखिरकार ये होता क्या है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और किस तरीके से इन वेरिएंट्स को कैटेगराइज किया जाता है। ये जो कोरोना है ये एक वायरस है जो हमारे गले को इन्फेक्ट, नेजल कैविटी को गले में जब इफेक्ट करता है, यहाँ तक तो ठीक है। सर माइक थोड़ा करीब रखिए। जस्ट ये जब ये चेस्ट में जब चला जाता है तो यह बहुत डेंजरस हो जाता है और मोर्टेलिटी इसमें बड़ा हाई हो जाता है। हमें देखने में आता है कि जब ये अपना जब चेस्ट में जब ये चला गया तो इतना जल्दी ये वेरियंट अपने आप को जल्दी फैलाता है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, हमें सेचुरेशन हमारी कम हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की स्पॉट, हमें फिर बाईपैप की स्पॉट, फिर हमें वेंटिलेटर की जो स्पॉट की वो आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस सब का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है बचाव, जागरूकता की कमी, हमें बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ये कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, ये WHO ने बार बार कहा है, यह जो महामारी है अभी इस संसार से नहीं जाएगी, हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को बचाव रखना पड़ेगा तो हम दूसरों को बचा सकते हैं। उसके बाद जब हेल्थ की बात आएगी तो डॉक्टर्स भी हम तैयार हैं, डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत पहले भी की थी, आज भी कर रहे हैं और आगे भी, सभी सभी जो पैथी है सभी ने अपना 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 काम किया। IMA की तरफ से डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि 21-27 डॉक्टरों ने जान दे दी, निम्मा की तरफ से भी हमारे 20-30 डॉक्टर्स जो हैं ये जंग लड़ते लड़ते वो हार गए, बड़ा उनको आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके मंच के माध्यम से। और हम ये कहेंगे
कि मैं तो यह कहूँगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है और जो एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं इनका एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, इनका एक फ्यूजन होना चाहिए, जिससे कि जो इम्यूनिटी बेस्ड मेडिसिन हैं उनका ज़्यादा प्रचलन हो, क्योंकि यह देखने में आया है कि जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको कोरोना ने ज़्यादा पकड़ा, और जो हम इम्यूनिटी बेस्ड जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको हम बढ़ावा दें। हम सब मिलकर इसका, हम चैनल्स के माध्यम से भी और IMA को भी मैं अपील करूँगा कि हम सब बैठ के एक इस पर फ्यूजन, एक एक विचार गोष्ठी होए कि हम जो जो हमारी इंटीग्रेशनल मेडिसिन हैं, जो जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है उनको हम बढ़ावा दें। बिल्कुल, बढ़ावे के साथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ को भी समझना है कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस स्तर का होना चाहिए कि जागरूक होने के बाद अगर लोग अस्पतालों में पहुंचे तो सही समय पर सही इलाज उनको मुहैया यहाँ पर करवाया जा सके। डॉक्टर कपिल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बात अगर हम रोहतक की करें, हम हिसार की करें जो कि सबसे नज़दीकी ज़िले हैं, भिवानी से कई आगे वो निकल चुके हैं, आज 49 सालों बाद भी उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य महकमे देखने को नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है जो बुनियादी ढांचा है कहीं ना कहीं वहां लूप होल है? मैम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है, जिस थीम पे हमारा आज प्रोग्राम भी है कि 49 साल के बाद भिवानी में क्या बदला। आप ये जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो हिसार है चाहे वो रोहतक है, वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं भिवानी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न भी ये रहा है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बुनियादी ढांचे को बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा लेक्यूना रहा कि यहाँ पे कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए थे, कुछ यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज अब शुरू हो रहा है तो वो बहुत पहले शुरू होता तो शायद यहाँ पे और डेवलपमेंट होता, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज या यहाँ पे अगर रोजगार के माध्यम और ज़्यादा डेवलप किए जाते तो यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोपेल होती। और बात है कि हिसार की, तो हिसार पहले से ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है, रोहतक में वहाँ पे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारे एजुकेशनल बड़े बड़े संस्थान हैं, तो भिवानी धीरे धीरे टाइम ले रहा है, बट बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन ये नेवर कब खत्म होगा उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर करण, मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि एक पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते कितनी समस्या यहाँ पर आती है, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरीके की स्थिति हमने पूरे देश में देखी, न सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ, पूरा देश जो कि बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, बहुत संपन्न और समृद्ध माना जाता है, वहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना भूल की भी कोई बीमारी है, जब मानने लगे तो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं थे, आप सभी दिन रात काम कर रहे थे, अपनी जॉब्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन लोग ही आपके पास नहीं पहुंच रहे थे, वो कितना ज्यादा समस्या से परिपूर्ण समय रहा? शायद मुझे बतानी जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर कपिल वाले में ऐड करना चाह रहा हूं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 22 दिसंबर 1972 में ये भिवानी जिला बना है, और मैं 2 अक्टूबर 1989 में यहां आया हूं। जब मैं यहां आया तो अपनी कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग वेलोर से और बॉम्बे से करके आया, सबसे सुशिक्षित डॉक्टर मैं यहां था। आज भी मेरे शहर के 10 से 12 डॉक्टर ऐसे हैं जो DM, MCH और DNP सुपर स्पेशलिटी हैं, लेकिन इन सुविधाओं का अभाव होने की वजह से, लोगों की आमदनी कम होने की वजह से, उस प्राइवेट स्ट्रक्चर को चलने में कामयाबी न होने की वजह से, उसको सस्टेन करने की न वजह से, आज एक हॉस्पिटल बनाते हैं तो लगभग 4 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा होता है, 1 लाख रुपये का बिजली का बिल आता है, 2 लाख रुपये स्टाफ की उसकी जो सैलरी वगैरह बनती है, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर 350 बेड का हॉस्पिटल बनाया था और ये एशिया का जिला स्तर पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन इसको हम उस समय मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर देते तो यहाँ बहुत कुछ ही हो सकता था। ये हालत इंडस्ट्रीज की है, इंडस्ट्रीज बिल्कुल नील, मैं 32 साल से यहाँ पर हूँ, गिरावट होती जा गई है, आमदनी नहीं है, तो आमदनी न होने की वजह से ये सब कुछ लोग वाक सस्टेन नहीं कर पाते, उनकी जेब में खर्चा नहीं है और वो जो चीज़ है वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसलिए सुविधाएं नहीं बढ़ रही। आज कोई भी, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में हम लोग 12 डॉक्टर हैं इस समय, वो बच्चे यदि यहाँ आके सुपर स्पेशलिस्ट हैं, यदि यहाँ आके इसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहें तो उनका खर्चा नहीं निकलेगा, वो कर्जे में डूब जाएंगे, इसलिए सुविधाएं कुछ ना कुछ मांगती हैं। बहुत सी योजनाएं
गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, बहुत से पैनल्स दे रखे हैं, उन पैनल्स का रेट इतना कम रखा हुआ है कि डॉक्टर विनोद चंचल आप जान सकते हो, उनका टाइम पर पेमेंट ना होना, उन लोगों को सस्टेन ना करना, उनको सपोर्ट ना करना, उनके अंदर कपियां निकालना, टाइम पर भुगतान ना होना, तो बहुत हतोत्साहित होकर लोग बाग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हम लोगों को इसको कैसे सस्टेन करें। हर जगह पर उनको समस्या आती है, हर जगह हम लोग आगे बढ़ने में हमें रुकावट आती है। ये कोई भी शहर, चाहे वो हिसार हो, चाहे रोहतक हो, चाहे इंडिया का कोई भी शहर हो, उसमें हम लोगों से ज़्यादा सुशिक्षित डॉक्टर कहीं नहीं है। जितने हम पढ़े लिखे हैं उतनी वो हैं, जितनी ट्रेनिंग हम लोगों ने ले रखी है उतनी ट्रेनिंग उनके पास में है, कोई डॉक्टरों के अंदर उनकी उसके अंदर ज्ञान के अंदर कोई कमी नहीं है। जब मेरा डॉक्टर यहाँ से गंगाराम हॉस्पिटल जाता है तो बड़ा डॉक्टर बन जाता है, मैदान धाम जाता है तो बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, दादरी से और डॉक्टर ध्रुव चौधरी, डॉक्टर सुशीला कटारिया, ये लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब यहीं से निकले हुए हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जब तक बुनियादी ढांचा को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, हम लोगों को कि आमदनी नहीं बढ़ेगी, हम लोगों के उद्योग नहीं होंगे, तब तक हम लोगों के जेब में, हमारे मरीजों के जेब में खर्चा नहीं होगा, और ये इसी तरह से हम लोग गांव के गांव में रह जाएंगे। आज भिवानी, आपको डॉक्टर कपिल बता दूं, हिसार से कहीं ज़्यादा आगे होता था भिवानी किस समय में, और दूसरे जिलों से आगे होता था, लेकिन हम आज भी एक गाँव के गाँव हैं, जिला कहलाते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाएँ नहीं हैं, बड़ा दुखद है, और बहुत से डॉक्टरों का अब इस प्रोफेशन से मोह भंग हो रहा है, और वो छोड़ छोड़ के और इस तरफ न बढ़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें बढ़ावा नहीं मिल रहा, सुविधाएं नहीं हैं, हम लोग दोषी नहीं हैं, दोषी तो हमारी जो नीतियां हैं वो हैं। डॉक्टर विनोद, क्या आप ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब की बात से, जो ये कह रहे हैं कि काबिलियत तो बहुत है, सक्षमता तो बहुत है, लेकिन जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए थी शायद वो भरपूर नहीं मिल पा रही और इसीलिए अव्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा अभी जो हम देखने में आया है कि पिछले मैं एग्जांपल दूं डेंगू के, डेंगू का जब डेंगू जब भिवानी में फैला तो हम सब डॉक्टर्स ने मिलके काम किया, सभी ने सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की आवश्यकता थी, सभी ने सिंगल डोनर प्लेटलेट्स थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब सिंगल डोनर किट ख़त्म हो गया। अब उस समय हम सभी काबिल डॉक्टर्स क्या करेंगे, उन पेशेंट्स को क्या कहेंगे, रोहतक जाइए, हिसार जाइए। अभी जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारे जो जब सफ़ेद हाथी हमारा हॉस्पिटल है वहाँ जब कंपोनेंट्स नहीं, सेपरेट करने की मशीन होगी, जब एक ब्लड के तीन कंपोनेंट्स सेपरेट किए जा सकते हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, एफएफपी है, अब वो नहीं मिलेंगे तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, इसी तरीके से मैं मैटरनिटी केस की बात करूँ, हमारे यहाँ भिवानी के अंदर सिविल हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होती है, हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होती है, मैटरनिटी के केस होते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को बाई दी वे किसी को मान लो इनको ब्लीडिंग हो जाए तो हमें एफएफपी की फ्रेश प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तो एक दो ब्लड बैंक आया है कि जो अभी दे रहे हैं पिछले दो तीन महीने से, कि हमारे सिविल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक फ्रेश प्लाज्मा हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। राजन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ब्लड डोनेशन जो ब्लड बैंक है वहाँ दो दो हमारे पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, अब वहाँ कम से कम कंपोनेंट सेपरेट करने की मशीन अवेलेबल है, सिर्फ ये बोल के कि ट्रेनिंग अभी उनकी नहीं हुई, और एक प्राइवेट ब्लड बैंक जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं है, एक एलटी ब्लड बैंक चला रहे हैं, वहाँ से हमें वो चीज़ अवेलेबल हो रही है, तो कैसे आप भिवानी के, आप ये कैसे मानेंगे कि आप भिवानी को हिसार या रोहतक में कैसे आप मुकाबला कर सकते हैं? वहाँ जहाँ 10-10 ब्लड बैंक हैं, जहाँ भिवानी के अंदर एक हमारा एक भी ब्लड बैंक वो भी काम नहीं कर रहा। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है आपको एक डेंगू के मामले में, इसी तरह उसी तरीके से एक ब्लड बैंक ना होने से हम मैटरनल डेथ हमारी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी मैटरनल डेथ क्यों होगी, क्योंकि हमें ब्लड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिस कंपोनेंट की हमें आवश्यकता होगी वो कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो पेशेंट को हम रेफर करना पड़ेगा, रेफर करने में जो टाइम हमारा कंज्यूम होगा वो टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा कि गोल्डन ईरा हमारा ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। आप पेशेंट की कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनकी एम्बुलेंस के अंदर डेथ होगी, मैटरनल डेथ होगी। इसी तरीके से जब हम बात करें बच्चों की, बात करते हैं हम नियोनेट की, बात जो समाज तरक्की करेगा जो वो है देश तरक्की करेगा, जहां मैटरनल और नियोनेट नेटल डेथ जीरो होगी वो देश तरक्की करेगा। ये आज मैं आपको ये बिल्कुल डेथ, एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया है जहां 25-25, 26-26 वीक के बच्चे बचाए जा रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम 27-28-30 वीक का बच्चा हो गया तो उसके माँ बाप इलाज कराना छोड़ देते, नहीं जी हम नहीं कराते जी, क्योंकि इसका तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, वेंटिलेटर का 5,000-7,000 रुपये खर्चा आएगा, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक भी नियोनेटल कोई पीडियाट्रिक
कोई भी डॉक्टर नहीं है जो वेंटिलेटर चला सके, वेंटिलेटर रख सके। आज हम प्राइवेट के अंदर अगर हम उसको लेंगे तो हम एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, और उसका खर्चा वहन करने की हर एक किसी की देखो नहीं हो सकती कि वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये वो खर्च कर सके। तो आप कितने ही नौनिहाल ऐसे हैं जो अपना जन्मदिवस नहीं मना सकते, अपना पहला महीना जन्मदिवस नहीं मना सकते, बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही वाजिब बात आप कह रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, डॉक्टर्स पैदा होने चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और सरकार के पास अगर नहीं है तो प्राइवेट से साथ उनको कॉन्टेक्ट। बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात आपने यहाँ पर बोली है, जो तमाम असुविधाएं हैं हम उनके साथ चल के चलना चाहते हैं, लेकिन वो साथ हमें लेकर चले, हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, वो हमें मदद करे, हम तैयार हैं। बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात आपने बोली है, जो तमाम असुविधाएं हैं, और इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, और इसीलिए इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम जनता के सवाल, आप सभी की परेशानियां सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि आपकी बातें भी वहां तक पहुंची होंगी और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निदान भी होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सत्र के खास मेहमानों के लिए, क्योंकि हर तरफ जिस तरीके से खामोशी दिखाई दे रही है क्योंकि बीमारियां बहुत शोर मचा रही हैं। इस शोर को कम करना होगा तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अपनी बातों पर अडिग रहना होगा, और अंत में दो गज दूरी और मास्क अभी भी बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलवास दुबिया भिवानी, द मोस्ट प्रीमियर CBSE स्कूल इन भिवानी, एजुकेशन पार्टनर भिवानी पब्लिक स्कूल, लेइंग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड सक्सेस, ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर, फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार विश्वास 30 वर्षों का, वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी,